आज हम पढ़ेंगे डी मूवर्स थ्योरम। डी मूवर्स थ्योरम होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, ये होता है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो डी मूवर्स थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर में का एक पार्ट है, आपकी यूनिट का 3.3 थर्ड यूनिट का थर्ड पार्ट। डी मूवर्स थ्योरम में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन, ये होता है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, दिस इज डी मूवर्स थ्योरम। जहाँ पर एन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एंड तो एन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव सभी मानों के लिए थ्योरम ट्रू है। इसी तरह से अगर एन फ्रैक्शन हो, इफ एन इज फ्रैक्शन, अगर एन फ्रैक्शन हो तो वन वैल्यू ऑफ दिस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन, इसकी एक वैल्यू होगी कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एन थीटा। तो जब एन एक फ्रैक्शन हो तो भी ये थ्योरम ट्रू है, तो इसका एक वैल्यू होगी कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो जब एन फ्रैक्शन है, आगे जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें जब अंडर रूट निकालना सिखाएंगे, क्यूब रूट या अंडर रूट निकालना सिखाएंगे, उसमें बताएंगे कि एन की बहुत ये इसकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तो जब एन फ्रैक्शन हो तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज पावर एन का एक मान यानी एक वैल्यू होगी कॉस एन एन इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन एन इंटू थीटा। तो ये होती है डी मूवर्स थ्योरम। तो अगेन डी मूवर्स थ्योरम क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये ब्रैकेट में रेज पावर एन। तो जब पावर में एन आ रही है और अंदर वाली चीज़ है कॉस प्लस आयोटा साइन की फॉर्म में, यानी पोलर फॉर्म, तो ये जो पावर एन है ये एंगल से मल्टीप्लाइड हो जाएगी, तो रिजल्ट आ जाएगा कॉस एन इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन एन इंटू थीटा। तो ये है डी मूवर्स थ्योरम, यानी पावर को हम एंगल से गुणा करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थ्योरम जो है एन के सभी मानों के लिए ट्रू है, एन पॉजिटिव है तो भी ये थ्योरम ट्रू है, एन अगर नेगेटिव है तो भी ये थ्योरम ट्रू है, और अगर एन पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो भी ये थ्योरम ट्रू है। तो उस समय क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये इसका एक वैल्यू होगी, सिर्फ एक वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू, अगर एन फ्रैक्शन है तो इसकी बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी जिसमें से एक वैल्यू ये होगी। तो ये हमारी डी मूवर्स थ्योरम। अब यदि हम इस थ्योरम को प्रूव करना चाहें, वैसे प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप लोग देख ले तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू, इन दोनों को हम गुणा कर रहे हैं। तो जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा करते हैं बिल्कुल वैसे ही गुणा करेंगे। तो इन दोनों के गुणा में पहले हम बिना आयोटा वाली टर्म लिखें, तो बिना आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस कॉस थीटा वन को कॉस थीटा टू से गुणा करेंगे, तो ये आ गया कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू। और दूसरी बिना आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब आयोटा और आयोटा वाली टर्म को गुणा करेंगे, यानी आयोटा साइन थीटा वन को आयोटा साइन थीटा टू से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन थीटा वन साइन थीटा टू, और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन रखें तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू। तो इन दोनों के गुणा में ये आ गई हमारी बिना आयोटा वाली टर्म। अब हम आयोटा वाली टर्म लिखेंगे तो प्लस आयोटा, अब इन दोनों के गुणा में हम आयोटा वाली टर्म लिखेंगे, तो कब आएगी आयोटा वाली टर्म कि आयोटा साइन थीटा वन को कॉस थीटा टू से गुणा करो, एक आयोटा की एक बिना आयोटा की, इसको इससे गुणा करें तो आ जाएगा आयोटा साइन थीटा वन कॉस थीटा टू। तो आयोटा हमने बाहर निकाल लिया, अंदर लिख लिया साइन थीटा वन कॉस थीटा टू। दूसरी आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस आयोटा साइन थीटा टू को कॉस थीटा वन से गुणा करेंगे, तो यह आ जाएगा कॉस थीटा वन साइन थीटा टू, और आयोटा बाहर लिख रखा है। तो जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ठीक इसी तरह से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये वाली चीज़ आ गई। अब यदि हम ध्यान से देखें कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू,
माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, इसको हम कंबाइन करके लिख रहे हैं। तो ये कॉस के फॉर्मूले में आ रहा है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ए की जगह थीटा वन बी की जगह थीटा टू, तो इसको इस फॉर्मूले से कंबाइन करके लिखें तो ये जाएगा कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू। इसी तरह से इधर आ रहा है साइन थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा इधर, तो ए की जगह थीटा वन बी की जगह थीटा टू, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, ए की जगह थीटा वन है बी की जगह थीटा टू, तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू, ये आ गया हमारे कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, और इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर वन। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह से अब हम निकालेंगे कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू इंटू कॉस थीटा थ्री प्लस आयोटा साइन थीटा थ्री। अब कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू, ये हम निकाल चुके हैं। तो हमने ये इक्वेशन नंबर वन रखी थी, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन से इसकी वैल्यू आई थी कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। तो अब हम इन दोनों का गुणा ये रख देंगे, कॉस इसकी जगह लिख देंगे हम कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू इन टू अब कॉस थीटा थ्री प्लस आयोटा साइन थीटा थ्री। अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो अगेन जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले बिना आयोटा वाली टर्म फिर आयोटा वाली टर्म, तो पहले बिना आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू को कॉस थीटा थ्री से गुणा करेंगे। तो इधर हमने लिख लिया ये कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू इंटू कॉस थीटा थ्री, और दूसरी बिना आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू को आयोटा साइन थीटा थ्री से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन थीटा वन प्लस थीटा टू साइन थीटा थ्री, और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन रख देंगे तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा वन प्लस थीटा टू इंटू साइन थीटा थ्री। तो ये आ गया इन दोनों के गुणा में बिना आयोटा वाली टर्म। अब हम इन दोनों के गुणा में आयोटा वाली टर्म लिखना चाह रहे हैं, तो आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू को कॉस थीटा थ्री से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू साइन कॉस थीटा थ्री। तो इधर आयोटा हमने बाहर लिख लिया और ये आ गया साइन थीटा वन प्लस थीटा टू कॉस थीटा थ्री। इसी तरह से दूसरी आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू को आयोटा साइन थीटा थ्री से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आयोटा साइन थीटा थ्री इंटू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू, ये वाली टर्म आ गई और आयोटा हमने बाहर लिख रखा है। तो जिस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करा हमने, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ तक आ गया, ये वाली चीज आ गई। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू इंटू कॉस थीटा थ्री माइनस साइन थीटा वन प्लस थीटा टू साइन थीटा थ्री। अगेन इसमें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा, ए की जगह हो गया थीटा वन प्लस थीटा टू, बी की जगह हो गया थीटा थ्री, तो इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, ए की जगह थीटा वन प्लस थीटा टू, बी की जगह थीटा थ्री, तो इसमें तो लग गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक इसी तरह से इसको कंबाइन करेंगे तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ए थीटा वन प्लस थीटा टू एंड बी थीटा थ्री, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, ये आ गया। तो अभी हमने निकाला कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू इंटू कॉस थीटा थ्री प्लस आयोटा साइन थीटा थ्री, इन तीनों का गुणा ये आ गया
cos theta 1 plus theta 2 plus theta 3 plus iota sin theta 1 plus theta 2 plus theta 3। अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आई थी, हमारी आई थी फर्स्ट इक्वेशन कि cos theta 1 plus iota sin theta 1 into cos theta 2 plus iota sin theta 2, ये आई थी cos theta 1 plus theta 2 plus iota sin theta 1 plus theta 2, this is our equation number 1। और इक्वेशन नंबर 2 हमारी आ गई cos theta 1 plus iota sin theta 1 into cos theta 2 plus iota sin theta 2 into cos theta 3 plus iota sin theta 3, ये आ गया cos theta 1 plus theta 2 plus theta 3 plus iota sin theta 1 plus theta 2 plus theta 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अब हम इसी तरह से सिमिलरली अब हम लिख सकते हैं कि cos theta 1 plus iota sin theta 1 cos theta 2 plus iota sin theta 2 cos theta 3 plus iota sin theta 3 and so on, last में आ गया cos theta n plus iota sin theta n। तो इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि जब हम उनको गुणा कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इनके एंगल ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा cos theta 1 plus theta 2 plus theta 3 and so on, last में आ जाएगा theta n plus iota sin theta 1 plus theta 2 plus theta 3 and so on, last में आ जाएगा theta n, this is equation number 3। तो ये है हमारी equation number 3। अब इस equation number 3 में हम यदि थीटा वन, इस इक्वेशन नंबर थ्री में यदि हम थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री एंड सो ऑन थीटा एन तक इन सब की वैल्यू है थीटा वन की वैल्यू भी थीटा टू की वैल्यू भी थीटा थ्री की वैल्यू भी थीटा एन की वैल्यू भी थीटा, सारे थीटा की वैल्यू थीटा है तो इसके अंदर रख दे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये भी हो जाएगा cos theta plus iota sin theta एंड सो ऑन, लास्ट में theta n है तो ये भी हो जाएगा cos theta plus iota sin theta। तो cos theta plus iota sin theta कितनी बार गुणा हुआ, 1, 2, 3 एंड सो ऑन और लास्ट में n, तो यानी cos theta plus iota sin theta n बार गुणा हो गया, तो हम लिख सकते हैं cos theta plus iota sin theta raised to power n। और इधर भी रख दें हम वैल्यूज, इधर है cos theta 1 plus theta 2 plus theta 3 and so on, last में theta n, तो ये भी theta, सबकी जगह theta रख दो तो ये प्लस हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, n into theta। इसी तरह से इधर भी रख दे, theta 1 की जगह भी theta, theta 2 की जगह theta, theta n की जगह भी theta, तो रिजल्ट इधर आ जाएगा sin n into theta, तो ये आ जाएगा cos n theta plus iota sin n theta। तो क्या करा हमने, इक्वेशन नंबर थ्री में थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री एंड थीटा एन सब की वैल्यू रख दी थीटा, ये सब थीटा के बराबर है, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस्ट पावर एन, ये होता है कॉस एन इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन एन इंटू थीटा, तो दिस इज आवर डी मूवर्स थ्योरम। तो डी मूवर्स थ्योरम में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमारा जो अंदर वाली चीज़ है यदि ये होनी चाहिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में, cos प्लस आयोटा साइन, जो एंगल इधर है वो इधर होना चाहिए, तो अंदर वाली चीज़ cos प्लस आयोटा साइन की फॉर्म में होनी चाहिए, फिर इसकी पावर n, तो डी मूवर्स थ्योरम में क्या होता है, ये पावर n जो है ये एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा cos n into theta plus iota sin n into theta, this is our डी मूवर्स थ्योरम, क्लियर। तो डी मूवर्स थ्योरम में अंदर होता है cos प्लस आयोटा साइन, अगर अंदर ही कुछ दूसरी फॉर्म में तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे, फिर n में n को एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, तो ये है डी मूवर्स थ्योरम। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे हम, सपोज हमारे पास यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट रिजल्ट है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n, क्या है यहाँ पे cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इधर बीच में माइनस है, तो अब हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा होता है cos थीटा
और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इसको हम यूज करेंगे क्योंकि अब हम अंदर वाली चीज को कॉस प्लस आयोटा साइन की फॉर्म में लाना चाहेंगे। तो हमने क्या करा, इस कॉस थीटा को लिखा कॉस माइनस थीटा और इस माइनस साइन थीटा को लिखेंगे हम, इधर तो प्लस साइन आ जाएगा और इधर आ जाएगा साइन माइनस थीटा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इधर बीच में प्लस साइन लिया है, कैसे, इसको लिखा कॉस माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा को लिखा साइन माइनस थीटा। ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमें डिमोर्स थ्योरम अप्लाई करनी है, तो बीच में प्लस आना चाहिए और जो एंगल इधर आएगा वो एंगल इधर आना चाहिए। तो हमने माइनस थीटा वाले फॉर्मूले को यूज़ करा, तो ये गया कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा रेज टू पावर एन। अब हम यहाँ पर डिमोर्स थ्योरम लगा सकते हैं, जो एंगल इधर है वो इधर है और कॉस प्लस आयोटा साइन की फॉर्म आ गई, तो अब हम यहाँ पर डिमोर्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो डिमोर्स थ्योरम लगाएंगे, डिमोर्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, इस पावर को एंगल से गुणा कर देंगे। तो एंगल तो है माइनस थीटा और पावर एन, तो जाएगा कॉस माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस एन थीटा। अब अगेन हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा एंड साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले से कॉस माइनस एन थीटा, अब थीटा की जगह माइनस एन थीटा, तो कॉस माइनस एन थीटा तो ये हो जाएगा कॉस एन थीटा, इन दोनों फॉर्मूले की सहायता से। इसी तरह से साइन माइनस एन थीटा तो ये हो जाएगा माइनस साइन एन थीटा, यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है, थीटा की जगह है यहाँ पे एन थीटा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट रिजल्ट। नाउ सेकंड रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट हमें निकालना है, इसमें क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज पावर माइनस एन, पावर जो है हमारी नेगेटिव है, कोई बात नहीं, नेगेटिव पावर के लिए भी डिमोर्स थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो इस पावर को एंगल से गुणा कर देंगे, अंदर तो कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा है और पावर इज नेगेटिव, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो जाएगा कॉस माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस एन थीटा। अब कॉस माइनस एन थीटा हो जाएगा कॉस एन थीटा और साइन माइनस एन थीटा हो जाएगा माइनस साइन एन थीटा, तो आ गया कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। तो यहाँ पर क्या था, पावर नेगेटिव थी और डिमोर्स थ्योरम लगा दिया हमने, लगा सकते हैं क्यों, क्योंकि अंदर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाले फॉर्म में दिया जाएगा। फिर अगेन माइनस थीटा वाले ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करेंगे, तो कॉस माइनस एन थीटा को लिखा कॉस एन थीटा एंड साइन माइनस एन थीटा को लिखा माइनस साइन एन थीटा। अब तीसरा रिजल्ट है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर माइनस एन, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है। तो सबसे पहले इधर हम प्लस बना लेंगे, तो जैसा हमने पहले बनाया था माइनस थीटा के फॉर्मूले से, तो इसको लिखेंगे हम कॉस माइनस थीटा और माइनस साइन, इस माइनस साइन थीटा की जगह लिखेंगे साइन और माइनस थीटा। तो इधर हमने बीच में प्लस साइन बना लिया, पहला काम ये करा, और ये नेगेटिव पावर है। अब हम डी मूवर्स थ्योरम लगा सकते हैं, तो अब हम डी मूवर्स थ्योरम लगाएंगे, तो क्या होगा, ये माइनस एन एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा कॉस माइनस एन इंटू माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस एन इंटू माइनस थीटा, और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट आ गया कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि वन अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको निकालना है, तो इसको हम ऊपर ले जाएं तो पावर माइनस वन आ जाएगी, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर माइनस वन, और बस डिमोर्स थ्योरम लगा दो तो हो जाएगा कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा की जगह रखो तो कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा की जगह रखो माइनस साइन थीटा, तो ये रिजल्ट आ गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो इन सभी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम डी मूवर्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।